हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज डिजीज़ मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ, कैंसर, इसका मैंने मैटर आपको शेयर किया था ग्रुप में। कैंसर इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट कैन अफेक्ट मेनी डिफरेंट बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। ऑल कैंसर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ जो है वही कैंसर को कॉज करती है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कैंसर से रिलेटेड वो यही है। तो कैंसर में क्या हो जाता है, कैंसर लीड्स टू मास ऑफ सेल्स, और इसी मास ऑफ सेल्स को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। इसी का कॉमन नेम क्या होता है, नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं, या ये कैंसरस, किसी सेल का कैंसरस हो जाना नियोप्लासिया कहलाता है, ट्यूमर कॉजिंग कंडीशन हो जाती है बॉडी में। एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट सेल डिवीजन लोकलाइज इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। तो बात हुई ट्यूमर की, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है कि मास ऑफ सेल्स बन जा रहा है, और अगर वो मास ऑफ सेल्स, वो सेल का जो लोथड़ा, मांस का लोथड़ा है, वो ट्यूमर है, वो अपनी जगह पर ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, पोजीशन में जिस एरिया में डेवलप हो रहा है वहीं पर रह जाता है, तो उस तरीके के ट्यूमर को बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। कभी कभी ये जो सेल्स होती हैं, वो जहाँ पर ये ट्यूमर बन रहा था वहाँ से वो कैंसरस सेल्स ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, अदर बॉडी पार्ट्स में पहुँचने लगती हैं, और अदर बॉडी रीजन्स में भी, अदर बॉडी एरिया में भी इन्फेक्शन कॉज करने लगती हैं। ऐसे ही और ट्यूमर्स कॉज होने लगते हैं बॉडी में, तो उस कंडीशन को मैलिग्नेंट ट्यूमर कंडीशन कहते हैं, और जो स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट्स है इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बेनाइन ट्यूमर क्या है, जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है एंड सेल्स रिमेन कंस्ट्रिक्टेड टू अ डेफिनेट साइट, दैट इज, दैट कंडीशन इज नोन एज बेनाइन ट्यूमर। बट स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू अ डिस्टेंट साइट, दिस प्रोसेस इज मेटास्टेसिस, एंड ट्यूमर सेल्स दैट कैरीड बाई ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ पेनिट्रेट डायरेक्टली टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म, एंड दिस कंडीशन फॉर्म्स मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये कंडीशन से मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारी बॉडी में हो सकता है। तो जो, यानी कि जब कैंसर बढ़ जाता है इस इनिशियल स्टेज पर, जब वो केवल बेनाइन स्टेज में है, तो सर्जरी से उसे रिमूव किया जा सकता है मास ऑफ सेल को, लेकिन जब वो बढ़ जाता है, मैलिग्नेंट स्टेज में आ जाता है, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होने लगता है, तो कहाँ कहाँ सर्जरी की जाएगी? तो वो कंडीशन जो होती है इसीलिए रोकी नहीं जा पाती है। और ये जो स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स टू डिस्टेंट बॉडी साइट्स, इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। फिर इसका हम टाइप देखते हैं, तो कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, यानी ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। इसमें हमारी जो WBC सेल्स होती हैं वो अनफेक्टेड होती हैं, WBC सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाता है। जब कनेक्टिव टिश्यू, हमारे जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू हैं, और वो इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगते हैं, तो वो कंडीशन सार्कोमा कहलाती है। इसी तरह जो एपिथीलियल टिश्यू है, एपिथीलियल टिश्यू है, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे हम कार्सिनोमा कहते हैं। तो यानी कि जो कार्सिनोमा के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, कार्सिनोमा मैंने मैंने आपको बताया कि एपिथीलियल टिश्यू से रिलेटेड है, और सार्कोमा जो है वो किससे रिलेटेड है, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है। तो सार्कोमा में जैसे ब्रोन ट्यूमर है, मसल ट्यूमर है, या लिम्फ नोड का ट्यूमर है, तो ये सार्कोमा में आता है। या ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लंग कैंसर हुआ, पेंक्रियास कैंसर हुआ, स्टमक का कैंसर हुआ, ये कार्सिनोमा में आता है, जिसमें एपिथीलियल टिश्यू जो है वो अफेक्टेड होने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि जो कैंसर है उसके टाइप्स को एक बार और थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो अदर टर्म्स हैं कैंसर से रिलेटेड उसको देखेंगे, जैसे कि मेलानोमा, कैंसर ऑफ पिगमेंट सेल्स, स्किन की, स्किन में जो पिगमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं मिलानिन पिगमेंट, और उन पिगमेंट सेल्स को मिलानोसाइट सेल्स कहते हैं। उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है, तो उसे मिलानोमा कहते हैं। इसी तरह से जो हमारी ग्लैंड्स है, बॉडी की डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, वो उनकी सेल्स जो कैंसरस हो जाती है तो उसे एडिनोमा कहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है उसकी सेल्स कैंसरस हो जाती है तो उसे मायोमा कहते हैं। इसी तरह से जो लिम्फैटिक टिश्यू है उनका कैंसर लिम्फोमा कहलाता है। या जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं उसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड ही नहीं होते हैं, तो उनका कैंसर नहीं हो सकता है। ग्लियल सेल्स का कैंसर होगा, यानी जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन का कैंसर हो गया, या
इस तरीके का जो कैंसर होता है, तो उसमें ग्लियल सेल्स इन्फेक्टेड होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्लियल सेल्स, तो उसको ग्लायोमा कहते हैं। तो कैंसर का कॉज क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जो ब्रांच, जिस ब्रांच में हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है ऑन्कोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स, तो इस ब्रांच को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑल सेल्स कैरी सर्टेन कैंसर प्रोड्यूसिंग ऑन्कोजीन्स। हर सेल में ऑन्कोजीन्स होते हैं, आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल है, हर सेल में ऑन्कोजीन्स होते हैं, लेकिन हर सेल में ऑन्कोजीन एक्टिव नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि बॉडी में सभी सेल में सभी जीन एक्टिव हमेशा नहीं रहते हैं, तो सभी सेल में ऑन्कोजीन्स होते हैं, बट ये जब ऑन्कोजीन्स कुछ कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज किए जाने वाले केमिकल्स हो सकते हैं, जब वो केमिकल्स के कॉन्टैक्ट में हमारी बॉडी की सेल्स आती हैं, तो क्या हो जाता है, तो वो कंडीशन जो होती है ससेप्टिबिलिटी टू कैंसर सेल्स, ऐसी सेल्स जो सेल्स ऐसे केमिकल्स के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं, और उनके कांटेक्ट में आने से सेल्स के जो ऑन्कोजीन से एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसे एजेंट्स, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ऑन्कोजीन्स यानी हर सेल में ऐसे जीन्स होते हैं जो फाइनली कैंसर कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये जीन्स कभी कभी कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, वायरल फैक्टर्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, या कुछ डायट्री फैक्टर्स हो सकते हैं, इनके कांटेक्ट में आने से ये ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो जाते हैं, और जो है बॉडी की सेल्स जो होती हैं उनके ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो गए, तो वो सेल्स कैंसरस सेल्स में बदल जाती हैं नॉर्मल सेल की जगह। तो इस तरीके से कैंसर कॉज हो जाता है। एनी एजेंट दैट इंड्यूसेस अ कैंसर, इसे ही क्या कहते हैं, ऑन्कोजीनिक एजेंट कहते हैं, या कार्सिनोजेन उसी को कहते हैं। जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सरेज जिसका एग्जांपल है, गामा रेज है, या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में यूवी रेज है, तो ये सभी यूवी रेज, एक्सरेज, गामा रेज, इनका एक्सपोजर अगर होता है तो ये एक्सपोजर क्या कॉज कर सकता है, ये कैंसर कॉज कर सकता है। फिर इसी तरीके से एक्सपोज केमिकल सब्सटेंसेस है, वो कार्सिनोजन की तरह काम कर सकते हैं क्योंकि ये म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। फिजिकल इरिटेंट्स कुछ हो सकते हैं, कुछ फैमिलीज में हेरिडिटरी कैंसर डिजीजेस होती है, यानी कि जो उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं पहले से, और वो कभी लाइफ में क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो हेरिडिटरी भी हो सकता है कैंसर, यानी कि वायरस भी कैंसर, कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको चार्ट में दिखाऊंगी। ट्यूमर प्रोड्यूसिंग वायरसेस को ओंको वायरसेस कहते हैं, यानी कुछ वायरसेस जो कैंसरस सेल का मांस बनाते हैं यानी ट्यूमर बनाते हैं, उनको ऑन्को वायरसेस कहा जा सकता है। तो यानी कि डिफरेंट कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स को हम देखें, तो ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल है तो वायरल फैक्टर हो सकता है, कोई वायरस आ गया उसकी वजह से सेल जो है वो कैंसरस हो गई, या जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, या केमिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या स्मोकिंग हो सकती है, या अल्कोहल या डायटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से कोई नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में बदल जाती है। देखिए नॉर्मल सेल्स जो है वो वेल मैनेज्ड होती हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्लस्टर ऑफ सेल्स नहीं बनता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती है, जबकि कैंसर सेल्स में देखिए जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहती हैं, एक दूसरे से लूज लूज हैं, और फिर यही फिर बहुत ज़्यादा मास बन जाता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है और ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। तो इस तरीके से आपको कैंसर के बारे में जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी, इससे आगे हम लोग जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं। तो कैंसर से रिलेटेड जो और डिस्क्रिप्शन है, इसमें अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे एजेंट्स हो सकते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये टेबल एक आपको दिखाई दे रही है जिसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स और उनसे जो टारगेट टिश्यू है उनके बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे कि सूट, यानी काला गाढ़ा काला धुआं जो फैक्ट्री वगैरह से निकलता है, ये स्किन और लंग कैंसर को कॉज कर सकता है। कोल टार यानी जिसो जो यूज किया जाता है डामर वगैरह जो होते हैं जो सड़क बनाने में यूज होता है, उससे स्किन और लंग कैंसर हो सकता है। सिगरेट स्मोक से लंग कैंसर हो सकता है। कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है। एफ्लोटॉक्सिन ये एक तरीके का फंगल प्रोडक्ट है, फंगस से निकलता है, उससे लिवर कैंसर हो सकता है। मस्टर्ड गैट से लंग कैंसर हो सकता है। निकिल क्रोमाइड
क्रोमियम कंपाउंड है उनसे लंग कैंसर हो सकता है, एस्बेस्टस से लंग्स कैंसर हो सकता है, डाई एथिल स्टीबेस्ट्रॉल से हो सकता है, वेजाइनल कैंसर हो सकता है, विनाइल क्लोराइड से लिवर कैंसर हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए लंग कैंसर और स्किन कैंसर जो है कॉमन है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि कुछ वायरसेस हो सकते हैं जिनसे कैंसर हो जाता है, तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस एंड एसोसिएटेड कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राउस सरकोमा वायरस है तो चिकन में इसकी वजह से कैंसरस सेल्स हो जाती है, म्यूरिन सरकोमा वायरस से माइस सरकोमा कैंसर हो जाता है, एवियन सरकोमा से बर्ड्स में हो जाता है। तो ह्यूमन में देखें तो एक आपको मेन जो दिख रहा है हर्पीस सिंप्लेक्स सेकेंड, यही आपको याद रखना है। ह्यूमन में हर्पीस सिंप्लेक्स सेकेंड वायरस जो होता है कैंसर ऑफ यूट्रस एंड यूट्रस सर्वाइक्स, यानी कि वेजाइना की जो ओपनिंग है, जो यूट्रस का माउथ है वहां पर जो इन्फेक्शन होता है ये हर्पीस सिंप्लेक्स सेकेंड वायरस से होता है, या एप्स्टीन बार वायरस जो है उसे बर्ड किड्स लिम्फोमा हो जाता है। तो ये दोनों जो है ये ह्यूमन में होने वाले कैंसर्स हैं। तो अब कैंसर के क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा कि कैंसर हो गया है? तो रैपिड वेट लॉस होने लगता है पर्सन में, अल्सर बहुत बार होने लगता है जो जल्दी से ठीक नहीं होता है, सीवियर रिकरेंट हेडेक रहता है, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होती है, परसिस्टेंट होर्सनेस रहती है, कफिंग रहती है, और साथ ही साथ बलगम जमने लगता है, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो टेस्टिस का साइज है शेप है वो चेंज हो सकता है, ब्लड में यूरिन यूरिन में ब्लड आ सकता है, और यूरिनेशन के टाइम पर कोई पेन ना हो रहा हो लेकिन ब्लड आ जाए, फिर उसके साथ साथ ब्लीडिंग या निप्पल से डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो जिस एरिया का है वहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया में कुछ जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया जहाँ से हो रहा है वहाँ से रिलेटेड सिम्टम्स है, और जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में जगह जगह पर ग्लैंड्स हो जा रही हैं तो इससे भी पता चलता है कि पर्सन जो है उसको इन्फेक्शन हो गया है। तो सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन लंग कैंसर है मैन में, और सेकेंड नंबर पर स्किन कैंसर है, और फीमेल में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन होता है। तो डायग्नोसिस क्या है? बायोप्सी की जाए, एक्सरे से भी पता चल सकता है, या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड, इससे भी कैंसर का एग्जामिनेशन किया जा सकता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, तो जिसमें से कीमोथेरेपी सबसे कॉमन है, रेडिएशन थेरेपी कॉमन है। तो कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स दी जाती हैं लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। फिर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है बट उसमें कभी कभी क्या होते हैं, जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, आसपास के टिश्यू होते हैं, वो नॉर्मल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या नॉर्मल टिश्यू रेडिएशन से कैंसरस हो जाते हैं, तो कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है। यानी कि बहुत ही स्किल पर्सन होना चाहिए, और सबसे आसान जो है अगर इनिशियल स्टेज पर पता चल जाए, बेनाइन कंडीशन में ही पता चल जाए, तो सर्जिकल रिमूवर तो ये बहुत ही सबसे अच्छा, और अगर आज ज़्यादा स्टेज तक नहीं आया है और तो मिक्स रूप में यानी सर्जरी कर दी जाए और ड्रग्स दे दी जाए तो ये यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एक कैथारंथस रोजियस है, एंटी कैंसर ड्रग्स इससे मिलती हैं, और विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन इससे निकलता है जिसे ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम मैंने आज आपके साथ कैंसर डिजीज़ जो है वो शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो एनसीईआरटी का डिस्कशन कैंसर का मैं पार्ट टू में ज़रूर करूंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरा ये डिस्कशन प्रॉफिट करेगा, अगर ये प्रॉफिट करता है तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।